हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट स्टडी सेंटर। मैं रोहित आपके अपने परिवार करंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल पर डेली सुबह में करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आज है 1 जून 2020 और 1 जून 2020 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते थे मैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अभी अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क INS कलिंग में स्थापित किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यहाँ पर एक वर्ड आता है INS, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन नेवी शिप। क्या होती है? इंडियन नेवी शिप। अब इंडियन नेवी की बात आई तो इंडियन नेवी की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन नेवी की स्थापना 1612 में हुई थी। कब हुई थी? 1612 ईस्वी में। और इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? तो इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। प्रेजेंट टाइम पे हमारे इंडियन नेवी चीफ करमबीर सिंह हैं। कौन है? करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में विश्व बैंक के नए उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी विश्व बैंक के नए उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्मेन रेनहार्ट को नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात आती है वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर Washington DC में है। और इसके प्रेजेंट टाइम पे कितने कंट्रीज मेंबर हैं? तो इसके प्रेजेंट टाइम पे 189 कंट्री मेंबर हैं और विश्व बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं। कौन है? डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को 1050 करोड़ रुपए के वित्तीय ऋण को मंजूरी दी है? तो अभी नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल को 1050 करोड़ रुपए के वित्तीय ऋण के रूप में मंजूरी दिया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बात आती है नाबार्ड, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके अभी नए चेयरमैन बने हैं। कौन? गोविंद राजुलू चिंडाला। अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल को दिए, तो पश्चिम बंगाल को मैप में देखते हैं। ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी है और पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनगढ़ है। कौन है? जगदीप धनगढ़। और पश्चिम बंगाल में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जैसे बुक्सा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है, सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से नाता तोड़ा है? तो अभी अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से नाता तोड़ लिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात आती है WHO की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में, और जिनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। और इसके अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम पे टेड्रोस अधानो केवेरियस हैं। कौन है? टेड्रोस अधानो केवेरियस। अब ये नाता अमेरिका ने तोड़ा है, तो मैप में देखते हैं अमेरिका को। ये है मैप में अमेरिका, जो आपका रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है अमेरिका। तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है Washington DC। और यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि Washington DC किस नदी के किनारे स्थित है? तो Washington DC पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? पोटोमेक। और अमेरिका की करेंसी क्या है? तो अभी अमेरिका की करेंसी है अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किस राज्य ने
गांव में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 300 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। तो अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने गांव में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 300 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये घोषणा तमिलनाडु ने की है, तो मैप में देखते हैं तमिलनाडु। ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई है। तमिलनाडु के सीएम के पलानी स्वामी है। कौन है? के पलानी स्वामी। और तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में फोर्ब्स हाईएस्ट पेड प्लेयर की लिस्ट जारी की है, उसमें शीर्ष पर कौन है? तो अभी फोर्ब्स ने हाईएस्ट पेड प्लेयर की लिस्ट जारी की है और इसमें शीर्ष पर रोजर फेडरर है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। रोजर फेडरर पिछले साल 802 करोड़ की कमाई के साथ वह इस लिस्ट में टॉप पे हैं। रोजर फेडरर एक टेनिस प्लेयर हैं और ये स्विट्जरलैंड के हैं और अब ये दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले प्लेयर बन गए हैं। अब रोजर फेडरर इस लिस्ट में टॉप पे हैं। सेकेंड नंबर पे कौन है? तो सेकेंड नंबर पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। थर्ड नंबर पर लियोनो मैसी हैं। और विराट कोहली कितने नंबर पे हैं? तो विराट कोहली 66वें नंबर पे हैं। कितने नंबर पे हैं? 66वें नंबर पे। विराट कोहली पिछले साल 169 करोड़ रुपए की कमाई के साथ हुए इस लिस्ट में 66वें नंबर पे रहे हैं और ये विराट कोहली इस लिस्ट में एकमात्र क्रिकेट प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किस राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दे दिया है? तो अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दे दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात आती है छत्तीसगढ़ की, तो मैप में देखते हैं छत्तीसगढ़। ये है मैप में छत्तीसगढ़ जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है। ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हैं और छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। कौन है? अनुसुईया उइके। और लाख की खेती करने में भारत एक नंबर पे है और थाईलैंड दो नंबर पे है। और छत्तीसगढ़ ने मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना था छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ पुलिस ने होम क्वारंटीन लोगों के लिए रक्षा स्वर्ग ऐप लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो अभी आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1906 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके एमडी एंड सीईओ अतानु कुमार दास हैं। कौन है? अतानु कुमार दास। अब बात आती है आरबीआई की, तो आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1935 को। और आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। कौन है? शक्तिकांत दास। और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में मछली की एक नई प्रजाति पुंटियस सेक्टस किस राज्य में पाई गई है? तो अभी मछली की एक नई प्रजाति पाई गई है जिसका नाम है पुंटियस सेक्टस और ये तमिलनाडु में पाई गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बात आती है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु कैपिटल क्या है? तो तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई है। तमिलनाडु के सीएम के पलानी स्वामी हैं और तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस स्पेस एजेंसी ने कोरोना वायरस के बीच अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 2 इंसानों को भेजकर इतिहास रचा है? तो अभी स्पेस एक्स ने कोरोना वायरस के बीच अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 2 इंसानों को भेजकर इतिहास रचा है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब स्पेस एक्स ने 2 इंसानों को भेजा है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है बॉब बेहनकेन और डॉग हरले। क्या नाम है? बॉब बेहनकेन और डॉग हरले। और ये दोनों नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं। अभी भेजा है स्पेस एक्स ने, तो स्पेस एक्स के बारे में जानते हैं। स्पेस एक्स ये अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 6 मई 2002 को हुई थी और इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक और सीईओ
एलोन मस्क हैं। कौन है? एलोन मस्क, और इसका हेड क्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में 30 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो अभी गोवा ने 30 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये 30 मई को ही क्यों मनाता है? तो 30 मई 1987 को गोवा एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, और इसलिए 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। और ये क्यों मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था, और इसलिए गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी, इसलिए गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। तो अब बात आती है गोवा की, तो मैप में देखते हैं गोवा। ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल पणजी है, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत हैं, और गोवा के गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं। कौन है? सत्यपाल मलिक। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए।